सिनावा में हाल ही में बने नए रोड पर स्पीड ब्रेकर न होने से आए रोज हादसात मामूल बन गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा शहर का हाल ही में तकरीबन 8 करोड़ की लागत से नया रोड तामीर किया गया। नए रोड की तामीर के बाद मुख्तलिफ चौकों पर जिनमें बुखी चौक, डड़ा चौक और महमूदकोट चौक पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। नए रोड पर तेज रफ्तारी की वजह से कई कीमती जानें भी जाय हो चुकी हैं। शहरियों ने महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि चौकों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि हादसात से बचा जा सके और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक अहलकार को शहर में तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। चित्राल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। चित्राल के समाजी कारकुन फजल रबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर मुंतखब हो गए। कुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल पार्टी चित्राल की तरक्की के लिए अरंदू से लेकर बरोगल तक पूरी कौम को एक ही प्लेटफार्म पर जमा करेगी। अब यहाँ कौमियात, बरादरी और मसलक के नाम पर कोई सियासत नहीं होगी। जिली सदर इंजीनियर फजल रबी को सदर मुंतखब होने पर पार्टी के कारकुनों और जियालों ने उन्हें जुलूस की शक्ल में चित्राल लाया, जहाँ अतालीक चौक में एक जलसा भी मुनाकिद हुआ। जलसा से अपने खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से पूरी कौम मायूस है। इमरान खान ने कौम के साथ कंटेनर पर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी। मुकर्रीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि गरीब लोगों को मजीद तंग न करे और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में कमी लाए। गुलाम तारुकी, सच न्यूज, चतराल। बनू की तारीख में पहली बार खातीन को बाख्तियार बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सलमान खान की रिपोर्ट। बनू की तारीख में पहली मरतबा खवातीन टीचर्स को दो रोजा विफाकी हुकूमत के तालीमी विजन को मद्देनजर रखते हुए यकसा तालीमी निसाब और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पहला तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिस तरह बाकी चीजों के लाइसेंस है, टीचिंग का लाइसेंस होना भी जरूरी है और उसके लिए प्रोफेशनल ग्रूमिंग होना, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर जुड़ा है टीचर्स की एक्चुअली स्किल्स के ऊपर। सो टीचर जितना स्किलफुल होगा उतनी कौम मजबूत आएगी, आपके स्कूल बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो डेफिनेटली दिखाएंगे। इस मौके पर मरूफ एजुकेशनिस्ट मिस नादिया जाफरी का कहना था कि खवातीन को बेहतियार बनाने का मिशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी, बनू। किसी भी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के बुनियादी हुकूक क्या हैं? स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो ILO और हुकूमत पाकिस्तान के वाज़ेह करदा कवानीन पर अमल करें। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद। एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान और ILO के जेर एहतमाम मुल्तान में एक सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें कॉटन जिनर, टेक्सटाइल स्पिनिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्कर्स के बुनियादी हकूक क्या है। मैं अपनी वर्क फोर्स को इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कैसे अपडेट करना है और ILO हमारी कैसे हेल्प कर रहा है और किन मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार हो सकता है कि अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर हम अपनी वर्क फोर्स को उनके मुताबिक न किया। वर्कर खुशहाल होंगे तो इसका फायदा स्टेक होल्डर को ही पहुंचेगा। लोगों की ट्रेनिंग के लिए और लोगों को काम करने के लिए जो एनवायरमेंट है वो पैदा की जाए ताकि हम लोगों को जब खुशहाल होंगे, काट चीज ठीक होगी तो शौक से काम करेंगे। SME में कॉटन इंडस्ट्री का बड़ा अहम किरदार है। कॉटन इंडस्ट्री में जो लेबर का खुसूसन जो चाइल्ड लेबर है, जो मीडियम, उसका बहुत बड़ा किरदार है। सेमिनार का मकसद कॉटन पैदा करने वाली कम्युनिटी को आगाही देना था कि फार्मर्स और वर्कर्स को हकूक की जमानत देंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन के जामन बनेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ चौधरी अब्दुलरहीम शाहिद, सच न्यूज, मुल्तान। नारोवाल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। ये मैच अंडर 16 में खेला गया। मजीद जानते हैं सगीर शाह की रिपोर्ट में। हसस स्कॉलर पब्लिक स्कूल ने PCB डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल टीम हसस स्कॉलर बामुकाबला दी एजुकेटर टीम के साथ हुआ। हसस स्कॉलर ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए और 160 के जवाब में दी एजुकेटर 102 रन बना सकी। इस मौके पर DC नारोवाल नबीला फान ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि देखिए, सेहतमंद जो जहन है ना वो सिर्फ सेहतमंद बॉडी से आ सकता है। तो हमारे जो यंग बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी को, उनको एंगेज रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस किस्म की खेलों का इनेकाद करें। खुशी तो है कि हम बदमली में आए हैं खेलने के लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिला नारोवाल में कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जहां हम क्रिकेट खेल सकते और ये बच्चे मसलसल इतने दिनों से यहां आ रहे हैं। कहने को ये स्पोर्ट्स है
और यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। यहाँ की सब स्कूल की जो ग्राउंड हैं उन पे कब्जे हो चुके हैं। याद रहे कि इस इवेंट में जिला नारोवाल से कुल 48 स्कूल की टीमों ने हिस्सा लिया। नारोवाल मीडिया क्लब की खसूसी कवरेज पर मेजबानों ने शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा और रिपोर्टर टीम के साथ सैयद हुसैन शाह, सच न्यूज नारोवाल। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब और डिवीजनल कमिश्नर ने चिनियोट का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान कलियार। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबरिया तारड और डिवीजनल कमिश्नर जैद हुसैन ने चिनियोट का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट और जुडिशियल कम्प्लेक्स के लिए मुख्तस साइट का विजिट किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान व दीगर अफसरान भी हमराह थे। इस मौके पर चिनियोट पुलिस के चौको चबान दस्ते ने सलामी पेश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबरिया तारड का कहना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जदीद असलाहत हुकूमत का बड़ा इकदाम है। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट और जुडिशियल कम्प्लेक्स पर तामीराती काम जल्द शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अली के साथ अब्दुलरहमान कलियार, बैरू चीफ, सच न्यूज चनियोट। चकवाल की इमाम बारगाह कसरे अली अकबर अलैहिस्सलाम में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर के उलमा व ज़ाकरीन ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। बसिलसिला चिलम सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह कसरे अली अकबर मुरीद चकवाल में 38वीं सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर के उलमा व ज़ाकरीन ने खिताब करते हुए शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा कि वाक़िए करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हक का साथ दिया। वाक़िए करबला हमें जुल्म के खिलाफ जिहाद का दर्द देता है। जो हिजाब है, जो नामूस का एहसास है, मुसलमान कह रहे हैं मुसलमान सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली की वजह से। अज़ा के बाद शबी अलम वजुल जिना का जुलूस हुसैनी दरसगाह से बरामद हुआ, जबकि मजलिस अज़ा जुलूस में आने वालों के लिए सबीलें भी लगाई गई थी। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज चकवाल। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1742 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आयदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1742 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,31,092, सिंध में 4,57,458, खैबर पख्तूनख्वा में 1,73,796, बलूचिस्तान में 32,916, गिलगित बल्तिस्तान में 10,321, इस्लामाबाद में 1,05,417, जबकि आजाद कश्मीर में 34,127 केसेज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 39 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 27,729 हो गई। पंजाब में 12,617, सिंध में 7,382, खैबर पख्तूनख्वा में 5,537, इस्लामाबाद में 923, बलूचिस्तान में 348, गिलगित बल्तिस्तान में 184 और आजाद कश्मीर में 738 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,93,86,106 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,635 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,69,566 मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 3,768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वादिया शिगर के हसीन और पुरफजा नजारों में घिरी ब्लाइंड लीक गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों के हुस्न में एक खूबसूरत इजाफा है। औफजाबाद के नवाई इलाके के तुलबा ने FSC के इम्तिहान में 1,098 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। औफजाबाद के नवाई इलाका कोट हसन खां के रिहायशी रिटायर स्कूल टीचर मोहम्मद मकसूद के बेटे उमर मकसूद ने फेडरल बोर्ड के तहत FSC के सालाना इम्तिहान में 1,100 नंबर में से 1,098 नंबर लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। आज मुझे जो पोजीशन मिली, जो मुकाम मिला, जो मैं पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन पाया हूँ, तो ये उसी मेहनत
اور اپنے اسی ارادے کی وجہ سے ہے. میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدین کی دعا اور ٹیچرز کی محنت سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے. اس کامیابی کو اپنے والدین اور کرونا سے جان بحق ہونے والے افراد کے نام کرتا ہوں. اس موقع پر عمر مقصود کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹے کی کامیابی پر خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. بیٹے کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی آج وہ پوری ہو گئی. کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. ویلکم بیک. چوک سبر شہید کی رابطہ سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں. سڑکوں کے درمیان بڑے بڑے گڑھے بن جانے کے سبب ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے. چودھری ساجد علی کی رپورٹ. سلطان میاں والی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ کے درمیان میں بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حادثات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. مختلف حادثات میں متعدد شہری جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شہری زخمی ہوئے, مگر انتظامیہ خاموش تماشے کے کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ عرصہ دراز تو ٹوٹیا پھٹیا اور ایک جگہ تو نہیں کافی جگہ تو خاص طور سے بہت ہی بڑا گڑھا پہ آیا ہے. شہریوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کی مرمت بھی کی گئی, مگر انتظامیہ کی جانب سے تہار روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا. ٹرانسپورٹر اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان تا میاں والی روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام جلد از جلد شروع کروایا جائے تاکہ شہری اور ٹرانسپورٹر جو ہے مختلف حادثات سے بچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی, سچ نیوز, چوک سرور شہید. کٹدو میں دکانوں میں آگ لگ گئی, لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. رپورٹ کر رہے ہیں اسحاق کاظمی. کوٹدو کالی پور پر دکانیں آتش زدگی کے بعد جلنے کا معاملہ. تاجر و سیاسی و سماجی کارکنان منتخب نمائندوں اور انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. احتجاج کالی پور پر مین جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. منتخب نمائندوں اور انتظامیہ کی نااہلی پر شدید نعرے بازی. کروڑوں کے فنڈ کے باوجود فائر بریگیڈ گاڑی ٹھیک نہ ہو سکی. فائر بریگیڈ کے دفتر سے 50 میٹر کے اور فائر بریگیڈ کی گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہ نقصان بچایا نہیں جا سکا. دو دکانیں جل گئیں, ان کا لاکھوں روپے کا غریبوں کا نقصان ہوا. شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام, منتخب نمائندوں اور انتظامیہ سے غریب دکاندار کے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی, سچ نیوز, کوٹ ادو. شیخوپورہ میں وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد کو 12,000 روپے تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن سینٹرز میں آنے والے شہریوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے. محمد مشتاق کی رپورٹ. وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت 12,000 فیصد رقم مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. کفالت سینٹر میں مالی امداد کے لیے آنے والے مستحق افراد نے رقم ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا. عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے, انہوں نے میرے ساتھ بہت کمپرومائز کیا ہے. ضلع بھر میں رقم کی تقسیم کے لیے 6 کفالت سینٹر بنائے گئے ہیں. شیخوپورہ جامعہ ہائر سیکنڈری اسکول میں احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان ہے. سینٹر میں آنے والے شہریوں کے لیے نہ تو پینے کے لیے پانی دستیاب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظام کیا گیا ہے. شہریوں نے وزیراعظم پاکستان اور ڈیپٹی کمشنر شیخوپورہ سے اپیل کی ہے کہ مالی امداد کے لیے آنے والے مستحق افراد کے لیے پینے کے لیے پانی اور بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام کیا جائے تاکہ شہری حکومت کی جانب سے ملنے والی امدادی رقم آسانی سے حاصل کر سکے. محمد مشتاق, سچ نیوز, شیخوپورہ. روبوٹک سنگھ میں تحصیل میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی ہر حد پار کر گئی. سینٹری ورکرز کوڑا کرکٹ جمع کر کے ٹرالیاں اور واٹر ورکس میں کھڑی کرنے لگے, کوئی پوچھنے والا نہیں. سلطان سدھو کی رپورٹ. توبہ ٹیک سنگھ میں تحصیل میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت اور لاپرواہی کے بعد شہریوں کو واٹر ورکس نمبر 1 سے گندے اور بدبودار پانی کی فراہمی کا انکشاف ہوا ہے. تحصیل میونسپل کمیٹی کے سینٹری ورکرز محترم محلوں سے کوڑا کرکٹ جمع کر کے اپنی ٹرالیاں واٹر ورکس میں کھڑی کر دیتے ہیں. واٹر ورکس میں موجود ٹرالیوں سے کوڑا کرکٹ پانی کے تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے, جس سے پانی بدبودار اور مضر صحت ہو رہا ہے. شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ڈپٹی کمشنر عمر جویس سمیت اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود, توبہ ٹیک سنگھ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. عارف والا سے تعلق رکھنے والے نوجوان کیپٹر سکندر سہیل نے 27 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا.
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عارف والا کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے ایک اور بہادر ثبوت، ملک دشمن عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے ضلع ٹانک میں جاری آپریشن میں شہید ہو گئے۔ شہید سکندر توہیل کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، محکمہ پولیس، ضلع انتظامیہ، سیاسی شخصیات اور علاقہ مقینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید کے والدین کو بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ کیپٹن سکندر سہیل نے 2014 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ پاک آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔